हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो दोस्तों, आज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी उतरी थी डूरन कप 2024 के अपने ग्रुप स्टेजेस के दूसरे मुकाबले में बीएसएफ के खिलाफ। शाम 7 बजे से कोकराझार के फुटबॉल स्टेडियम में मैच शुरू हुआ था और ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइड थी। अगर हम बीएसएफ से कंपेयर करें, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का फुल स्क्वाड खेल रहा था और लाइनअप के बारे में बात करें तो काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं लाइनअप में। मिचेल जुबैको नहीं थे ना बेंच में और ना ही स्टार्टिंग लाइनअप में, और ना आशीष अख्तर थे, तो काफ़ी सारे प्लेयर्स मिस कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के हेड कोच जुआन पेद्रो बिनाली ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। अपने गोलकीपर, जो मौका नहीं मिल रहा था इनको, दीपेश को, इनको मौका दिया था और दीपेश ने अच्छा ही परफॉर्मेंस किया। अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें दीपेश सिंह के बारे में, तो दीपेश सिंह के पास उतना कठिन मौका आया नहीं कि वो सेव करे बीएसएफ टीम से। कोई भी ऐसा कठिन मौका बना ही नहीं उनके तरफ से। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने फुली अटैकिंग फुटबॉल खेला है और 20 शॉट्स नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने अटैम्प्ट किए हैं इस मैच में। फुल्ली अटैकिंग फुटबॉल, 66% बॉल पोजीशन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के पास था और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी क्लियरली इस मैच में आगे थी। और 8वें मिनट में ही स्पेनिश स्ट्राइकर गुलेर्मो फर्नांडिस ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को लीड दिया। उसके बाद जितेनेमेस ने स्कोर किया। तो जितेनेमेस ने शानदार परफॉर्मेंस किया है। खासकर मोहम्मद अली बिमैमर के बारे में बात करें तो मोहम्मद अली बिमैमर डिफेंस और अटैक के बीच एक ब्रिज के समान काम कर रहे थे और यही प्लान नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का हर मैच में होने वाला है। तो काफ़ी सारे प्लेयर्स यहां पर मेन प्लेयर्स प्लेइंग 11 में नहीं थे। फाल्गुनी सिंह को फिर से स्टार्टिंग लाइनअप में नहीं डाला था, जिसका कारण नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी उतना अच्छा बेहतरीन फुटबॉल खेल नहीं पा रही थी। पोजीशन ज़्यादा था लेकिन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अट्रैक्टिव फुटबॉल नहीं खेल पा रही थी। लेकिन सेकेंड हाफ के बारे में बात करें तो कुछ चेंजेस हुए। फाल्गुनी सिंह आए और नेस्टर अल्बियाक की जगह अलादीन अजारी डेब्यू करते हुए नजर आए और अलादीन अजारी ने लास्ट में पेनल्टी में स्कोर किया है। तो गुलेर्मो फर्नांडिस के बारे में बात करें तो गुलेर्मो फर्नांडिस ने 8वें मिनट में तो स्कोर किया ही था और जब सेकेंड हाफ शुरू हुआ तब फिर से पार्थिव गोगोई के एक शानदार बॉल से, हेडर के जरिए गुलेर्मो फर्नांडिस इस मैच के दूसरे गोल करते हैं और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को 3-0 से आगे कर देते हैं। अलादीन अजारी लास्ट में गोल स्कोर करते हैं पेनल्टी के द्वारा। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने ओवरऑल अटैकिंग फुटबॉल ही खेला है, जो कि सारे ही लोग को लग रहा था कि अटैकिंग फुटबॉल ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बीएसएफ कोई खास टीम है नहीं, प्रोफेशनल टीम है नहीं। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए 3 पॉइंट काफ़ी ज़्यादा मैटर कर रहा था और बड़े मार्जिन से जीतना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। तो 4-0 विक्ट्री नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए आया है और मेन इंपॉर्टेंटली 3 पॉइंट आ गया है और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी कंफर्म कर चुकी है कि वो अपने ग्रुप को टॉप करने वाली है। और लास्ट मैच बाकी है ओडिशा एफसी के खिलाफ और ऑलमोस्ट ओडिशा एफसी को भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी हराने वाली है, क्योंकि ओडिशा एफसी का बी टीम है और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। तो क्वार्टर फाइनल्स नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए डन हो चुका है। टॉप में फिनिश करके अपने ग्रुप स्टेजेस के मैचेस को ख़त्म करने वाली है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, ऐसा बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में बात करें तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के डेब्यू प्लेयर अलादीन अजारी के बारे में बात करें तो अलादीन अजारी ने अच्छा ही फुटबॉल खेला है। पहला मैच था, मिस कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा दिख रहा था उनके बीच और उनके साथी के बीच, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे ये प्रैक्टिस करेंगे और मैचेस खेलेंगे ये अपनी टीम के साथ बॉन्डिंग बनाते जाएंगे। ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने शानदार परफॉर्मेंस किया है। तो आपको क्या लगता है, क्या नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी डूरन कप में कुछ बेहतर कर सकती है आने वाले मैचेस में? आप अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट सेक्शन पर बताना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलो दोस्तों, अब मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।